हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए आज हम बात करते हैं हम पुस्तक रिमझिम के पार्ट 5 की, कक्षा 4 के। तो बच्चों, इसका नाम है दोस्त की पोशाक। तो इसमें किन किन पात्रों की बात की गई है? निसरुद्दीन जी और जमाल साहब, जो उनके दोस्त हैं, वो कई देर के बाद उनको मिलते हैं। तो उनके वार्तालाप में क्या बात होती है, तो चलो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस बात पाठ में क्या है, एक बार निसरुद्दीन जी अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर बाद गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले घूम आएँ। मोहल्ला समझते हो ना, जो गली में आस पड़ोस में होता है, तो उसको बोलते हैं मोहल्ले में घूम आएँ। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। अरे भाई, मैं क्या करूँगा जाकर, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो निसरुद्दीन जी ने कहा, बस इतनी सी बात है। निसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली सी पोशाक निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। तो बंठन कर दोनों दोस्त घूमने को निकले। दोस्त को लेकर निसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ना, निसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो इन्होंने अचकन पहन रखी है ना, वो मेरी है। यह सुनकर क्या होना था, जमाल साहब पर तो मानो घड़ो पानी ही पड़ गया हो। निसरुद्दीन ने कहा, तुम और वो लोग बाहर निकलकर मुंह बनाकर उन्होंने निसरुद्दीन जी से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं? तो निसरुद्दीन जी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब निसरुद्दीन जी उन्हें हुसैन साहब के यहाँ मिलवाने चले गए। हुसैन साहब ने गर्म जोशी में उनका बड़ा स्वागत किया। स्वागत समझते हो ना, वेलकम, यस। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो निसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। फिर क्या था, जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने की किसने कहा था तुमसे? क्यों, निसरुद्दीन जी ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता था क्या? इसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर निसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक दिन अन्य पड़ोसी मिल गए। निसरुद्दीन जी ने जमाल साहब का परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा रहा हूँ कि यह जमाल साहब हैं, इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में चुप ही रहूं तो ही अच्छा है। तो बच्चों, इसके साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। तो आप लोगों ने इस लेसन से क्या शिक्षा ली है कि कभी भी किसी को कोई चीज़ देकर उसको आभास करवाना, यह भी एक अच्छी बात नहीं होती। और अपनी चीज़ को ही बार बार उसको याद दिलाना, तो यह गलत होता है। और जैसे कि जमाल साहब के साथ हुआ वैसे। तो बच्चों, हमेशा दूसरों पर अपना विश्वास बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।